मैं करीबन 10 सालों से गुजरात के वापी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। वापी भारत के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक माना जाता है, जहाँ लगभग 1400 से ज्यादा केमिकल और हैजार्डियस इंडस्ट्रीज अपने पैर जमाए बैठी है। वापी के दो एस्टुरीज गोलक और दमनगंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। मछुआरे एवं स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका खोने की कगार पे है। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां कानून और नियमों को मान्यता न देते हुए बेफिक्री से नदियों में प्रदूषित पानी छोड़ रही है। मेरे काम के दो मूल उद्देश्य हैं। पहला, समस्याओं का समाधान उन्हें कानून से जोड़ कर और अधिकारियों को जवाबदार बनाकर ढूंढना। दूसरा, समस्या का समाधान होते होते प्रभावित लोगों को कानूनी सशक्तिकरण हो जाना। अगर अगली बार खुद या किसी और को ऐसी ही परेशानी हो तो किसी मनीषा की जरूरत ना पड़े। मुझे पता है कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन ये भी मालूम है कि नामुमकिन भी नहीं है। I born in a socially marginalized Dalit community and underwent several hardships during my student days. Later on, I joined Dalit movement and inspired by the great work of social reformer. I found that the children's issues are missing even the wider Dalit movement, and I started to work for the children from 1994 onwards. I am working on the issue of child labor, child malnutrition, child right to education, eradication of devadasa system, sustain of the. Now we are having nutrition rehabilitation centers across the all the district government hospitals, and so we are also working for the eradication of devadasa system, and around 6,500 devadasa women were rehabilitated now, and hundreds of children have been got admission under this RTE in many private schools in various districts of Karnataka. और सामाजिक कार्य में जुड़ करके मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को लेकर के मैं मजदूर भाई बहनों के बीच काम करती हूँ। और स्वास्थ्य में मैं एचआईवी एड्स ग्रसित महिलाओं के बीच कार्य करी हूँ, और इसके साथ साथ शिक्षा को लेकर बाल श्रमिक बच्चे और समस्त शिक्षा को लेकर के 450 ग्राहियों को लाभ दिलाई हूँ, जिसमें मुख्य धारा में जोड़ना और साक्षर को साक्षर अभियान में महा जोड़ना एवं कालाचारी बच्चे को शिक्षा में जोड़ना और मुख्य धारा में जोड़ करके उनको अभी वर्तमान में वो पुलिस भी बन गए हैं, स्पोर्ट्स में काम स्पोर्ट्स से जुड़ करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ महिला हिंसा को लेकर के काम करती हूँ। महिला हिंसा में करीब 25 महिलाओं एवं किशोरी बालिका के बीच के साथ यौन हिंसा हुआ था, उस मामले को लेकर के न्यायालय में जोड़ी हूँ और दोषी को सजा भी दिलवाई हूँ। मैं जो काम करती हूँ वो काम इस तरह से है, जैसे कि बहनें अपना अधिकार खुद से ले सकें और अपने पैर पर खड़ी होकर खुद का डिसीजन खुद ले सकें, और बच्चों को क्वालिटी बेस और पूर्ता शिक्षण मिले और वो आगे बढ़े। बेसिक सुविधाओं को लेकर दरेक स्कीम जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जैसे पीने का पानी, गटर, लाइट, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, विधवा पेंशन, हेल्थ रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स का लाभ दरेक लोगों को मिले और लोगों तक पहुंचे और लोग उसके लाभ लेते हों। विशेषतः हम तीन दिशाओं पर कार्य करते हैं। पहला जो है हमारा सौरा भाषा का, जो सौरा कैंपेन है, सौरा भाषा में हम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के 38-80 जगह पर हम काम करते हैं। इसको छोड़ के हमारा जो दूसरी दिशा है वो है हर्बल मेडिसिन का। हर्बल मेडिसिन में हम लोगों को तालीम प्राप्त करते हैं। और तीसरी जो है वो आर्थिक दिशा है। आर्थिक दिशा में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम में हमारा लोगों को जो सेल्फ सस्टेन करने के लिए लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए प्रयत्न करते हैं।
पिछली 10 सालों से अभी तक मैंने महिला दलित अधिकार किशोरी बालिका का अधिकार के लिए समर्पित हूँ। इस काम में मैंने 14 महिला दलित अधिकार मंच का गठन किए, जिसमें कुल 305 लोग शामिल हैं। भूमिहीन परिवारों के लिए 250 आवासीय जमीन दिलवाई, बाल मजदूरी से संलिप्त 30 बच्चों को मुक्त कराकर विद्यालय पहुँचाई, 486 गर्भवती महिलाओं को ट्रेकिंग की, जिसमें 287 प्रसव संस्था में करवाई, एडवोकेसी के माध्यम से 224 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र दिलवाई, 112 अति कुपोषित बच्चों को NRC से जोड़ी, 6 गांव में बाल मंच का गठन की जिसमें 95 बच्चे, 15 किशोरी मंच का गठन की जिसमें 156 किशोरी सदस्य हैं। इसके सहयोग से 17 बेटियों का बाल विवाह रोका गया। हमारी भविष्य की योजना 1000 प्लस बच्चियों का बाल विवाह बाल मजदूरी से मुक्त कराकर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे यह काम करने की प्रेरणा अपने ही जीवन के संघर्षों से मिली है। मेरा बचपन बहुत ही कष्टों से बीता है, परंतु मैंने हार नहीं मानी। एक महिला होने के नाते इस समाज ने हमें कितना कमजोर समझा है और साथ साथ भेदभाव भी करता रहा है। इस सब को देखते हुए मेरे मन में उन महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने की साहस पैदा हुआ और आज मैं उन सभी के लिए काम कर रही हूँ जिसे समाज कमजोर समझता है। उन्हें सशक्त करने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना, उनकी काउंसलिंग करना, ये सभी मुद्दे शामिल हैं। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में बिहारी मजदूर, नरेगा मजदूर और बीड़ी मजदूरों की आजीविका और उनके बच्चों के विकास के लिए पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मजदूरों के नेतृत्व में जनमुक्ति अभियान, नारी मुक्ति मंच और कौशाम्बी बीड़ी मजदूर मंच जन संगठनों का निर्माण हुआ और उनके माध्यम से आज लगातार संघर्ष जारी है। उप संघर्षों से 16 गाँव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय खुले, 3000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, 2 सरकारी अस्पतालों का निर्माण हुआ है और आज वो सक्रिय रूप से चल रहे हैं। नरेगा की मजदूरी की धांधली पर रोक लगी है, बीड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है, बीड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ने से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो ये कि लोगों ने अपने अधिकारों और हकों के लिए सवाल करना शुरू किया है।